Ms. Zainab Mazor Ghori, mother of Mehmel Fatma, to please come. Ms. Zainab Mazor Ghori, mother of Mehmel Fatma. Followed by Ms. Zahra Sami Malik, mother of Amna Zahra Malik and Maysam Malik. Ms. Zahra Sami Malik, mother of Amna Zahra Sami Malik and Maysam Malik. Followed by Mahnoor Moin. Thank you. Honorable Prime Minister is requested to address the gathering. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Zafar, Moses donors, Patino Hazrat, ye jo campaign, ye jo sardiyon ki campaign ka aaj aakhri din hai. Isme जो डॉक्टर साहब आपने हमें कहा कि तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को हम पोलियो ड्रॉप्स देंगे और उसमें हमारे 2,60,000 वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर्स, 2,60,000 पोलियो वर्कर्स ने ये जो कैंपेन, सर्दियों की हमारी कैंपेन जब ख़त्म होगी तो तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को 5 साल की उम्र से कम, उनको ये ड्रॉप्स दिए जाएंगे. मैं आज अपने सारी जो भी माएँ देख रही हैं ये प्रोग्राम, ये जो हमारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपको ख़ुद, अगर आपके बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिल रहे तो आपको ख़ुद जाना चाहिए. हमारे ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो 2,60,000 सारे मुल्क में हैं, आपको ख़ुद जाके अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाने चाहिए. इसकी एक तो आपके बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है लेकिन हमारी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है. इस वक्त पाकिस्तान उन 2 मुल्क में रह गया है जिधर आज भी पोलियो है. ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है. मुझे पता है कि हमारे पोलियो वर्कर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं माजी में, मिलिटेंट्स ने उनको टारगेट भी किया, उन्होंने शहीद हुए इसके अंदर, खौफ भी बड़ा था और लेकिन बड़े बड़े हमारे हीरोज़ थे पोलियो वर्कर्स में जिन्होंने उन जगह पे जाके पोलियो ड्रॉप्स दिए जिधर लोग समझते थे कि पहुंच नहीं सकते. तस्वीरें हैं, आप बर्फ़ में चल चल के जाके उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स दिए. तो ये हमारे मुल्क के हीरोज़ हैं. लेकिन ये सबको हमें समझना है कि अगर ये एक ऐसी बीमारी है जब ये फैलनी शुरू हो गई तो इसके बहुत बड़े हमारे मुल्क के ऊपर रिपरकशंस हैं. हमारे जो वर्कर्स जाते हैं पाकिस्तान से बाहर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मुसीबतें पड़ जाएंगी. हमारे हमारे जो टूरिस्ट हैं मुल्क से बाहर जब लोग जाते हैं, बिजनेसमैन, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सारी कौम इसमें शिरकत करें. एक तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बच्चों की सेहत के लिए और दूसरा हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि ये अगर ये हमारे ऊपर धब्बा लग गया कि पाकिस्तान से पोलियो एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे आज जो हमारा मुल्क अब एक पॉजिटिव आउटलुक है, दुनिया में एक अच्छी पाकिस्तान की तसव्वुर किया जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी अब माशाल्लाह ठीक हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम टूरिज़्म को पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं, तो इस सारी इन्वायरमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारी कौम मिल के इस पोलियो को टैकल करें, इसको पूरी तरह हम शिकस्त दें. और उसके लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो भी माएँ देख रही हैं ये, उनके बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं, उनको ख़ुद जाना चाहिए. अगर पोलियो वर्कर उनको मिस कर गए तो उनको ख़ुद इनिशिएटिव लेके जाना चाहिए और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाने चाहिए.
और मैं रिपीट करता हूँ कि बच्चों के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है लेकिन हमारे मुल्क के लिए भी ये बहुत अहम है. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द डोनर्स हु हैव हुज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस टू आर पोलियो कैंपेन. आई वॉन्ट टू थैंक यू. मैं फिर से सबका डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर ज़फ़र आपको ख़ास तौर पर स्ट्रेस करूँगा कि हमें और भी बड़े चैलेंजेस हैं लेकिन इसके ऊपर आपने ख़ास तौर पर ज़ोर लगाना है. शुक्रिया.